हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस। माय नेम इज नवनी यादव और आज है 1 जुलाई। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, इससे पहले एक बात बतानी थी आपको कि जो भी जो ये द हिंदू आपको पूरा चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरा न्यूज़पेपर ले सकते हैं। ठीक है, पूरा न्यूज़पेपर ये हाईलाइटेड वाला भी देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, और साथ में आपको कुछ और चीज़ें जो आपको लगता है और इंपॉर्टेंट है मुझे एक बार न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए बचा हुआ। देखिए, मेजर पार्ट इसी में लगता है आपको। अगर 2 घंटे न्यूज़पेपर में लगता है तो ये आपका मेजर पोर्शन जो है 1.5 घंटा लेता है या एक एक सवा घंटा लेता है, जिसको मैं कवर करा देता हूँ आपको टाइमली। तो बचा वह न्यूज़पेपर भी आपका देखने का मन करे कि और चीजें मैं देख लेता हूं तो वो एक बार आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। रोज आपको जो है एडिटोरियल, जो है एडिटोरियल के साथ साथ बचा हुआ जो न्यूज़पेपर है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते कौन कौन सी न्यूज आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करने। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे G20 से रिगार्डिंग है, क्या क्या इश्यूज है, G20 जो समिट हुई उसमें क्या क्या इशू अराइज हुए, इंडिया के लिए कौन कौन से इशूज है जिसपे इंडिया को ध्यान देना चाहिए और इंडिया ने ध्यान दिया, तो ये आर्टिकल हम इसमें डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल ये देखिए, सेबी की रेगुलेशंस है। सेबी ने कुछ रेगुलेशंस लगाई थी तो रेगुलेशंस के बारे में बता रहे हैं। कौन सी रेगुलेशन? म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स के काफी ऐड देखते हैं आप मैच वगैरह के अंदर कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ये वाकई सेफ है नहीं है, क्या क्या इसके अंदर और चेंजेस किए गए हैं, तो ये आर्टिकल इस आर्टिकल में हम देखेंगे। इसके अलावा ये आर्टिकल है, ये देखिए, WTO और वही इंडिया, आपको पता है इंडिया US चाइना के बीच में जैसे एक तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है, मेजरली तो US चाइना के बीच में, लेकिन इंडिया के पर भी इंडिया के भी कुछ जो चीजें हैं उनके ऊपर टैरिफ वगैरह लगाया है, तो इंडिया ने रिटेलिएट किया। बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई है इसमें, साफ ये बताया कि यूएस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यूएस ये चीज पता कर रहा है कि इंडिया के साथ कौन से ट्रेड में उनको लॉस है, तो वो सब चीजें ज्यादा दी हुई है। मेजर मेजर जो पॉइंट थे जो हमें एक्सट्रैक्ट करने चाहिए वो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, वो चीज मैं आपको समझा दूंगा। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास इसमें नहीं दिया हुआ है, ये बस ये बताने की कोशिश करें कैसे फिनलैंड जो है कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर एज ए लीडर, एक तरह से ग्लोबल जो यूरोपियन यूनियन है उसको भी एक ग्लोबल लीडरशिप की तरफ ले जाया जाए क्लाइमेट चेंज के अंदर, खुद भी कोशिश कर रहा है, इंडिया को भी काफ़ी प्रेज करता है, तो वो सब चीज़ें देखिए, कुछ खास ऐसी चीज़ें नहीं है जो एग्जाम में लिख सकते हैं आप। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम। ये आर्टिकल फिर से जो है जो नई पॉलिसी आ रही है, ठीक है, ड्राफ्ट पॉलिसी जो बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिगार्डिंग है, तो ये मेजर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायर्ड है हायर एजुकेशन के अंदर आनी चाहिए, चाहे वो फंडिंग हो, रिसर्च हो, जो सब चीज़ें हैं, तो ये अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी हायर एजुकेशन से रिगार्डिंग या नॉर्मल एजुकेशन रिगार्डिंग कोई भी ऐसे आता है तो आप ये चीज़ें रिकमेंडेशन डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल देखिए, मंडे को आते हैं, बताते हैं कि क्या क्या चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया, तो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं और इसमें भी कुछ खास नहीं बताया हुआ जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आर्टिकल यूज कर पढ़ते हैं हम G20 से रिगार्डिंग कि G20 के अंदर क्या क्या चीजें रिकमेंड की गई और क्या क्या चीजें जो है इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, जिसको इंडिया को फोकस करना चाहिए। यह बताते हैं कि देखिए G20 की अभी समिट जो है बहुत क्लोजली वॉच की गई, क्योंकि ये देखिए बहुत जरूरी है कि इस इतनी बड़ी मीटिंग जो G20 के, इसके अंदर कुछ सब्सटेंशिव, कुछ फाइनल आउटकम निकले। और ये कह रहे हैं कि G20 नेशन की बात करें तो जिसमें 19 नेशन है प्लस यूरोपियन यूनियन है, जो पूरा अगर बात करें वर्ल्ड की नॉमिनल GDP की 85% GDP G20 नेशन के पास है, यानी कि वर्ल्ड की पूरी GDP की बात करें नॉमिनल की, तो 85% जो वर्ल्ड की GDP है उसमें G20 का जो है G20 जो अकाउंट करती है, यानी कि G20 85% GDP रखती है और बची हुई कंट्री जो है G20 में जो नहीं है वो सिर्फ 15% ही जो उनकी GDP होती है। अब ये कहते हैं प्रेसिंग इश्यूज की बात करें तो कह रहे हैं काफी इश्यूज थे जिन पे काफी बातें हुई, और ये कह रहे हैं कि डिस्कशन सिर्फ ऐसा नहीं G20 के अंदर बायलेटरली भी डिस्कशन हुए, प्लूरल तरीके से 3-4 कंट्री भी मिलके बात की, मल्टीलेटरल लेवल पे भी हुआ, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोदी उन्होंने भी जो है काफ़ी ओकेजन्स ये यूज़ किए गए, 20 ऐसी मीटिंग करी गई जिसमें बायलेटरल मीटिंग की, यानी कि 1-to-1 कंट्री मीटिंग हुई। ये कह रहे हैं कि और जो एंगेजमेंट्स थे हमारे वो भी हमने कोशिश किए गए, रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, US, इंडिया, इन सब के साथ भी हमने कोलोबरेट करने की कोशिश की और बात की गई। इसके बाद ब्रिक्स नेशन की जो ग्रुपिंग है हमारी उसके साथ भी दोबारा इकट्ठे हुए, हमारे क्या इशू उसको हमने बात किया गया। अब ये कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ा इशू क्या था, सबसे बड़ा इशू था कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग, किसकी,
जी जिनपिंग की और मोदी की। देखिए हमारे ऊपर भी काफी एलिगेशन लगा रहे जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा कि इंडिया के जो ट्रेड पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, इससे यूएस को लॉस होता है, और चाइना के साथ तो ट्रेड वॉर चल ही रहा है, तो इसलिए बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट थी और ये मोस्ट एंटिसिपेटेड थी ये मीटिंग जो थी, किस किस की, ट्रंप की, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं क्योंकि ट्रेड एक्सक्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जो मीटिंग हुई है काफ़ी कोर्डियल नोट पे, काफ़ी अच्छा एक एंडिंग इसकी हुई, लेकिन ये बात सच है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया, कोई बड़ी डील निकल के नहीं आई, लेकिन बातें काफ़ी अच्छे से हुई, हो सकता है आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव भी हो जाए, क्योंकि देखिए यूएस और चाइना ने दोनों ने ही ये बात बोली है कि अब वो टैरिफ आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये जब तक इश्यू सोल्व ना हो जाए वो टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, तो ये काफ़ी बड़ी रिलीफ देता है इंडिया को भी और जो नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमीज है उनको। देखिए ट्रेड वॉर होता है, इससे इंडिया को फायदा नहीं है, क्योंकि जब ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में रुक जाएगा तो बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, तो आपस में ही जो है अपने आप ही जो ट्रेड कम होगा तो इंडिया को इससे इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि इंडिया हर चीज का, अगर यूएस कोई चीज चाइना से खरीद रहा था तो अब इंडिया से खरीदने लगेगा, लेकिन जो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सारी फुलफिलमेंट ये कर सके, तो इसीलिए जो है यूएस और चाइना का जो है ब्रेक थ्रू होना बहुत जरूरी था, बातें होनी जरूरी थी, और ये जो है कहीं ना कहीं अच्छी आउटकम निकल के आई है। ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी काफी कंसर्न रेज किए गए, उन्होंने भी बोला कि देखिए सीरियस जो ऑफेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गए, जैसे नीरव मोदी हो गया, मालिया वगैरह हो गए, ये कह रहे हैं इस तरह के जो फिगरेटिव्स हैं उनको वापस जो है जिस कंट्री से वो भागे उसमें वापस देना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाके छुप जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की जो फंडिंग के ऊपर, यूएस ने देखिए फंडिंग बंद की है क्लाइमेट चेंज की, जो कि बहुत रिक्वायरमेंट है, और जो कोस्टल सिटीज है उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण, तो ये इंडिया चाहता है कि क्लाइमेट फंडिंग जो है वो भी ना रुके, तो ये कंसर्न हमने रेज किए। इसके अलावा देखिए कह रहे हैं कि एक और कंसर्न था जो एक नई आउटकम निकल के आई, या फिर बोल सकते हैं जो जैपनीज प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, एबे जो सिंजो एबे जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के, उन्होंने देखिए क्या बोला कि वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ पुश कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि डेटा का जो फ्लो है वो फ्रीली होना चाहिए और उसमें ट्रस्ट होना चाहिए कंट्री का। कैसे, देखिए आप सपोज कीजिए आप कोई फेसबुक यूज कर रहे हैं, अब फेसबुक कहाँ की कंपनी है, मान लो यूएस की कंपनी है, तो यूएस में सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा है, आपका पासवर्ड, आपकी फोटोज, सारा सर्वर्स वहीं लगे हुए हैं, तो सारा आपका डेटा यूएस के अंदर से हो रहा है, तो ये भी जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते थे कि जो है डेटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन इंडिया, देखिए इंडिया का स्टैंड अलग है, इंडिया हमेशा, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये बात बोली थी कि जो डेटा है वो लोकल डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, इसका मतलब है कि हमारा डेटा, चाहे वो हमारा नॉर्मल डेटा हो, पर्सनल प्रोफाइल का डेटा हो, या हमारा बैंकिंग का डेटा हो, देखिए आपका, आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो ये सब जो है ये आपका सारा डेटा इंडिया के अंदर नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज में स्टोर है, तो वो आपके डेटा को कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा कंसर्न यही था इंडिया का कि जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए इंडिया ने जो है जैपनीज प्राइम मिनिस्टर सिंजो आबे ने जो बोला उसके अगेंस्ट जो है अपने व्यूज रखे और टफ टफ स्टैंड बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए कह रहे हैं कि और जो कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पे जो है बात होनी चाहिए थी या इजीली कंसेंसस आ सकता है आने वाले टाइम में भी, जैसे ओशन पोल्यूशन मैनेजमेंट है, जेंडर इक्वालिटी है, या फिर करप्शन वगैरह से कैसे फाइट किया जाए, तो ये कह रहे हैं कि G20 में आने वाले टाइम में इनमें भी कंसेंसस इन और टॉपिक्स पे तो काफ़ी इजीली हो सकता है, इनमें ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। अब लेकिन बात क्या है, ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो G20 की मीटिंग है 2020 में वो होगी सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद होगी इटली के अंदर 2021 में, मगर उसके बाद 2022 की जो सबमिट होनी है वो इंडिया के अंदर होनी है। तो आप ये बात कह रहे हैं कि देखिए इंडिया के अंदर 2022 में G20 की सबमिट होगी, ये क्वेश्चन याद रखिए, आप छोटे किसी एग्जाम में, छोटा नहीं यानी कि कोई भी एग्जाम, बैंकिंग टाइप के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि G20 की जो सबमिट है 2022 में कहाँ होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं उसमें कुछ जो चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उन पे जो है कि ये बोल रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों पे जो है इंडिया फोकस कर सकती है, क्लाइमेट चेंज हो गया उसके इम्पैक्ट है, कैसे बैलेंस बनाया जाए, ठीक है, किसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी विद 5G, ठीक है, ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि
कैसे यूएस अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो सब चीजें, और ये कह रहे हैं कैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो टेररिज्म आ रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो इन चीजों पर ग्लोबल चैलेंजेस जो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं इन पर अपनी सहमति बनाई जा सकती है, और इंडिया इसमें काफी जो है लीड ले सकता है। ठीक है, तो फाइनली ये कहते हैं इंडिया को जो है लीड लेनी चाहिए G20 के अंदर, कि जो इनइक्वालिटीज है इस सिस्टम के अंदर उसको कैसे खत्म किया जाए, और साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि देखिए एक दो कंट्रीज की वजह से सारी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, G20 का मेन जो मोटो है कि सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, काफी अच्छा आर्टिकल था, काफी चीजें इससे आपको पता चली होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए थोड़ा टेक्निकल है, आपको बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा मैं, वही आपको समझनी है एग्जाम के लिए, टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना है। देखिए नई सेबी की कुछ रेगुलेशंस आई थी और उसी से रिगार्डिंग ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नई रेगुलेशंस आई लास्ट मंथ ही, जो क्रेडिट एजेंसीज हैं, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में सुना होगा, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उनके ऊपर भी काफ़ी रेगुलेशंस लगाई है, और सेबी ने देखिए इनको मैनेज करने के लिए, देखिए सेबी ने क्या किया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे तो रेगुलेशन लगाई, साथ साथ में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके ऊपर भी इंडिया लेके आ रहा है, या फिर सेबी बोल सकते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इस तरह की रेगुलेशन लेके आ रहा है, कैसे म्यूचुअल फंड्स जो है उनको मैनेज किया जाए, अच्छे से मैनेज किया जाए, किसी का पैसा ना डूब जाए। ये कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और लेकिन लास्ट मंथ ऐसा हुआ कि कोई कुछ लोगों की जैसे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान था कि इतना मैच्योरिटी के बाद, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपने 10 साल बाद तक 10 साल तक इन्वेस्ट किया, और जब पैसा आपको निकालना था वो पैसा आपको ना मिल पाए, तो इस तरह के इश्यूज जो हैं उस उनको जो है रोकने के लिए सेबी ने जो है इस तरह की रेगुलेशन लिया है, और इस तरह के केस भी देखने को मिले हैं। ये कह रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड है, जो कोटक म्यूचुअल फंड है, इन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं इन लोगों को जब इनको जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान था तो उस पर जो पैसा पे करना था वो, या इनको जो पैसा मिलने वाला था वो इनको नहीं मिला, क्योंकि देखिए इन लोगों ने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी जो है पैसा प्रॉपर नहीं दे पाई, समझ रहे बात को। जैसे म्यूचुअल फंड HDFC म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, आपका पैसा म्यूचुअल फंड ने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जहां म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया उनको जो वो पैसा चाहिए था वो मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका भी पैसा डूब जाएगा। तो ये कह रहे हैं इन चीजों से बचने के लिए ही सेबी ने इस तरह की रेगुलेशंस लगाई है। अब क्या क्या रेगुलेशंस है ये हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। कह रहे हैं कि सेबी ने रेगुलेशन जो लगाई, एक तो लगाई है जो म्यूचुअल फंड है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसा है जैसे कि अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करती है कोई म्यूचुअल फंड कंपनी तो इसको इजीली वो पैसा वापस मिल जाए। कैसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट देखिए इतनी पावरफुल एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसपे पैसे की कभी कमी पड़ती नहीं है, बहुत रेयर इंस्टांसेस होते हैं, तो इसलिए इनको बोला गया साफ साफ कि आप कम से कम जो 20% पैसा है वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो है लिक्विडिटी बनी रहे और इस तरह के इश्यूज ना देखने को मिले। ये कह रहे हैं कि देखिए एक और जो रेगुलेशन लगाई है उसमें क्या बोला है कि एक कंपनी के अंदर एक सेक्टर के अंदर, जैसे हाउसिंग एक सेक्टर हो गया, तो उसके अंदर 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज हैं वो। और ये कहने करंट कैप अभी 25% था, इसको और घटा दिया, यानी कि एक सेक्टर के अंदर 20% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब एक सेक्टर के अंदर 20% से ज्यादा पैसा नहीं करेंगे और इन केस वो सेक्टर डूब जाता है तो ज्यादा पैसा नहीं, 20% पैसा ही डूबा, तो इसलिए सब बचाने के लिए इस तरह के रेगुलेशन लाई गए हैं। ये कह रहे हैं जैसे सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस, ये कह रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस है, इसमें तो लिमिट और कम कर दी है, कह रहे इसमें तो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर तो सिर्फ 10% जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं ये काफी अच्छे प्रिवेंटिव जो है मेजर्स लिए गए हैं, इससे शायद आने वाले टाइम में सिचुएशन जो है इंप्रूव हो जाए, और जो इनका एक तरह से जो ये कह रहे हैं कि सेक्टोरल कंसंट्रेशन है, पहले एक ही सेक्टर पे ज्यादा पैसा जाता था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और इससे काफी बेनिफिट होगा, और जो फाइनल जो रिस्क हो सकता है आने वाले टाइम में वो नहीं होगा। इसके अलावा कह रहे हैं और भी रेगुलेशंस कुछ जो है सेबी ने जो है लगाई है, वो जैसे एग्जिट लोड है, इंक्रीज द एग्जिट लोड, यानी कि म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है वो इतने आसानी से बाहर नहीं निकल सकती। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके काफी लोग होते थे म्यूचुअल फंड के अंदर, वो निकल जाते थे, लेकिन उसको डिस्करेज करने की कोशिश की है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं है HDFC म्यूचुअल फंड ने 10 साल एक शॉर्ट टर्म को या 5 साल की कोई स्कीम चलाई और वो बाहर निकल गई, यानी कि वो जल्दी से उस स्कीम से बाहर नहीं निकल सकती, जिससे लोगों का विश्वास
विश्वास बना रहे। बॉन्ड मार्केट के अंदर भी देखिए हमारी जो अभी बहुत स्ट्रांग मार्केट नहीं है, और इसके अंदर भी कोशिश की जाएगी कि कैसे जो है और चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। फाइनली कहते थे कि मार्केट इन्वेस्टमेंट जो होती है इसके अंदर रिस्क होता है, इन्वेस्टर जो है काफ़ी हायर रिटर्न्स के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और अगर उनको जो इस तरह का रिस्क आता जाएगा आने वाले टाइम में उसको डर रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो हमें जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको जो है गिरने नहीं देना है, एक इस तरह की इकोनॉमी हमें बनानी है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, और साथ साथ में इस तरह के जो रेगुलेशन सेबी लेके आ रही है इनको हमें वेलकम करना चाहिए, इनका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो देखिए ये आर्टिकल है, ये कह रहे हैं कि देखिए चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर के ऊपर बात कर रहे हैं, और इंडिया को भी इसके अंदर इंडिया के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई हुई है। ये बताते हैं कि देखिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशंस की, तो इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक रिलेशन अभी हमने G20 में पढ़ा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी डिस्कस की गई है कि अभी इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है ये कह रहे हैं कि इसको अभी क्या हुआ है, पहले देखिए हमारे रिलेशंस क्या होते हैं, मल्टी लेटरल रिलेशन ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे WTO जब से आया, लेकिन धीरे धीरे यूएस ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। यूएस चाहता है यूनिलेटरली वो एक एक कंट्री के साथ डील करे, और ये कहनी इस वजह से हमारा और इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो काफी जो है नाइफ एज के ऊपर है, यानी कि काफी जो है इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। किस तरह की प्रॉब्लम्स वो हम देखेंगे। ये कह रहे हैं इंडिया के ऊपर देखिए कुछ इस तरह के मेजर्स लिए गए थे, H-1B वीजा का देखा होगा आपने, पहले इंडिया को काफ़ी जो है गुड्स और आइटम्स पे जो है जीरो टैरिफ लगता था, वो यूएस ने बंद कर दिया, और इन्हीं चीज़ को देखते हुए आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसको काफ़ी इंपैक्ट हुआ, हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते थे यूएस के अंदर, उसके ऊपर भी टैरिफ बढ़ा दिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने भी रिटेलिएट किया, और 28 जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस से आते हैं उनके ऊपर टैरिफ जो है बढ़ा दिया गया। ये कह रहे हैं कि ये अब क्या हुआ, देखिए बात करें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उनको लगता है चाइना के बाद सबसे बड़ा खतरा उनको इंडिया से लगता है, और उनको लगता है कि इंडिया के ऊपर रेगुलेशंस लगानी जरूरी है, और उनको ये बात भी लगती है कि देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर है, यानी कि यूएस इंडिया के अंदर जाके आके इंडिया की मार्केट का एक्सेस नहीं कर पाता है, तो यूएस हमेशा से चाहता है कि ये ट्रेड बैरियर जो हटाया जाए, लेकिन अभी जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इन चीज़ों को काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो है डील करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कहते हैं देखिए बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है यूएस के अंदर, और ये इन्वेस्टिगेशन जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इनमें यही निकल के आ रहा है कि देखिए यूनिलेटरली आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप तो अपने ही कंट्री का बेनिफिट देखेंगे, तो इसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे कि देखिए यूएस जो है अपना ही बेनिफिट देख के सारी इन्वेस्टिगेशन है उनमें ये चीज़ शो कर रहा है कि यूएस को बहुत लॉस हो रहा है, इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, और ये चाइना जो है इस चीज़ का फायदा उठा रहा है कि वो ट्रेड जो है उन्होंने टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, यूएस के अंदर टैरिफ कम है। अब देखिए कहते हैं कि देखिए इंडिया को तो है तीन डायमेंशन पे मेजरली फोकस करना चाहिए, तीन डायमेंशन प्रॉपरली इसने मेंशन तो नहीं की है, लेकिन ये कहते हैं तीन चीज़ों पर इंडिया को ध्यान रखनी चाहिए, अपने क्वेश्चंस या फिर उसके आंसर्स बना के रखने चाहिए, अगर हमारी फिर से बातें दोबारा स्टार्ट होंगी तो उनको कैसे हम डील करें, हम कैसे अपने तर्क रखें। देखिए सबसे बड़ी पहली बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, काफ़ी देखिए इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि जो बाहर की कंपनी यूएस की कोई कंपनी है उन्होंने कोई ऐसी नई चीज़ बनाई है तो इंडिया के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको पूरा तवज्जुब नहीं दिया जाता, यानी कि इंडिया कहीं ना कहीं इन रूल्स को वायलेट करती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी जो है क्वेश्चन रहता है यूएस का, तो उसके ऊपर इंडिया को तैयार रहना चाहिए। अब देखिए ये कह रहे हैं इन चीज़ों से पता चलता है, जो ये खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यूएस जैसी कंट्रीज, तो उससे पता चलता है कहीं ना कहीं यूनिलेटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मल्टीलेटरल जो ट्रेड होता था उसकी तरफ ये धीरे धीरे नहीं बढ़ रहे हैं, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे थे कि इससे पहले हमारा गैट था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसके बाद क्या हुआ इसको चेंज किया गया और 1995 में गैट जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, लेकिन यूएस ऐसा नहीं कर रहा है, यूएस खुद से ही अपना यूनिलेटरली ही डिसाइड कर रहा है। अब देखिए कहते हैं कि इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत से ऐसे मौके आए कि इंडिया जो है इस तरह के जब इशू आए तो WTO के अंदर गया है, और WTO और जो गैट है उसके अंदर देखिए मेजर काम क्या है, डिस्प्यूट को रिजोल्व करना। देखिए ये तो है ही WTO की सारी कंट्री के अंदर सेम टैरिफ होना चाहिए जो कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन साथ साथ में देखिए कहते हैं कि इसके अंदर एक इस तरह की फैसिलिटी भी दिए कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाए। अब ये कहते हैं कि अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे या फिर जो इस तरह का प्रोविजंस बनाए गए इसको यूज नहीं करेंगे तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप WTO को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और यूएस ये कह रहे हैं, यूएस तो बिल्कुल डिसएग्री है, उनको लगता है कि देखिए
1930 में देखिए क्राइसिस आए थे, तो उसके बाद इस तरह की चीजें बनाई गई कि देखिए कोई भी डिस्प्यूट होता है आपस की कंट्री में सोल्व कर लिया जाए, लेकिन यूएस इन चीजों से अलग ही निकल रहा है। यूएस अपने आप ही चीजों को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से इतने बड़े ट्रेड वॉर के अंदर जो है यूएस और चाइना जो है इन्वॉल्व हो गया और इंडिया भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया है। अब ये कहते हैं कि देखिए बात करें तो यूएस ये बोलता है कि यहाँ पे प्रोसीजर ठीक नहीं है, यूएस का इंटरेस्ट जो है फॉलो नहीं होता, दूसरी कंट्रीज अपना इंटरेस्ट ले लेती है। अब ये कहते हैं कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आर्टिकल के अंदर ही बताते हैं कि इंडिया ने जो कमिटमेंट है वो पूरी कमिटमेंट फॉलो की है। कोई भी डिस्प्यूट जब इंडिया का आया तो इंडिया जो है WTO के अंदर ले गया है और डिस्प्यूट को जो है दोनों कंट्री की सुनी जाने के बाद ही डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यूएस को लगता है कि उनको जो है उनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। इंडिया को तो जो है इंडिया तो बिल्कुल जो है यूरोपीय राउंड जो हुआ था हमारा जिस जो उसके अंदर टैरिफ्स थे हम तो वही टैरिफ लगा रहे हैं, और इंडिया कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारे जो बहुत टैरिफ है वो हमने कम कर दिए हैं। तो कैसे यूएस ये बात कह सकता है कि उनको उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाया जाता है। ये कहते हैं कि देखिए यूएस क्या करता है, यूएस भी टैरिफ ना लगा के सब्सिडीज को यूज करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि यूएस कुछ नहीं कर रहा। ये कह रहे बहुत सी एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो है वो यूज की जाती है यूएस के अंदर, तो यूएस अपनी पोजीशन जो है कहीं ना कहीं सही नहीं रख रहा है। ये कह रहे हैं यूएस की और बात करें तो टबैको हो गया, पीनट्स हो गया, इनके ऊपर ऊपर 350 164 और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर 118% का टैरिफ लगाता है जो कि बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो फाइनली ये कहते हैं कि हम जो है फॉलो कर रहे हैं WTO को, लेकिन यूएस जो है यूनिलेटरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए ये आर्टिकल है, इसको समराइज करके मैं बताता हूँ। ठीक है, समराइज पहले थोड़ा समझा देता हूँ। ये कहते हैं कि देखिए अभी पहले 100 दिन होने के बाद गवर्नमेंट के, सेकंड गवर्नमेंट के 100 दिन पहले 100 दिन की बात करें तो एक अच्छी थिंकिंग नजर आई है। कौन सी? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और इक्विप एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, ये कह रहे हैं इनके ड्राफ्ट निकल के आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनको जो है फाइनलाइज किया जाएगा। अब क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया को हायर एजुकेशन के अंदर, ये मेनली बताते हैं हायर एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बहुत सी कमेटी हमने बनाई, राधा कृष्ण कमीशन आया 1949 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, उसके बाद 86 में फिर आई, यशपाल कमेटी आई 2009 में, नेशनल नॉलेज कमीशन आया 2007 में, अब ये ड्राफ्ट NEP आया है 2019 में। तो ये कह रहे सब में सेम ही चीज है, बार बार वही चीजों को रिपीट किया गया है। ये कह रहे हैं कि बात कौन कौन सी है, ये कह रहे हैं कि सबको पता है ये बात कि हायर एजुकेशन जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और उसको जो है अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए, उसको इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कह रहे हैं कि ये बात भी जरूरी है कि देखिए हायर एजुकेशन इंप्रूव होगी तो अपने आप ही इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड प्रीमियम जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर भी बढ़ेगी और इकोनॉमीज के अंदर भी बढ़ेगी। देखिए ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, सारे इक्विपमेंट्स होंगे, तो अपने आप ही जो हमारा स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होगा। अब लेकिन कहते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोशिश करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है कि बहुत अच्छा वो चीज़ें जो है प्रोवाइड करा सके, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करा सकें। अब कहते हैं क्या बात करते हैं, देखिए ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस लेके आई थी गवर्नमेंट, उसके अंदर था कि कुछ इंस्टीट्यूशन अगर वो अच्छा करेंगे तो गवर्नमेंट उनको रिसोर्सेज देगी, उनको इस तरह की ऑटोनमी देगी कि वो बाहर से पैसा उठा सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, ये भी कहीं ना कहीं इनकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो इनको चाहिए थी, नीड थी रिसोर्सेज की, वो इनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है एज कंपेयर टू चाइना एंड अदर इकोनॉमिक कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज। ये कह रहे हैं देखिए फंडिंग की बात करें, रिसर्च के ऊपर जो बेसिक रिसर्च है उसमें फंडिंग जितनी रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फंडिंग देनी चाहिए वो उसमें काफी पीछे रह रही है, और जो ब्रिक्स कंट्री है उनके अंदर भी फंडिंग काफी अच्छे से है। ये कहते हैं की रोल जो इक्विप और NEP जो पॉलिसी आ रही है उसका की रोल क्या है कि देखिए हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी पोस्ट है, सेकेंडरी एजुकेशन के यानी कि 12th के बाद जो जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर कैसे जो है एनरोल कराया जाए। ये कह रहे हैं अगर एक एस्टिमेट की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 2035 तक 50% रोल का 50% बच्चे जो है हायर एजुकेशन में एनरोल होना चाहिए। इक्विप पॉलिसी के अंदर तो टारगेट ये है किया हुआ है 52% किया 2024 के अंदर ही, तो इससे पता चलता है कि देखिए ये 50% है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जबकि ये बात करें कि इक्विप के अंदर जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वो रखा गया है 52% 2024 तक। तो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी प्रेजेंटली कितना है हमारा एनरोलमेंट रेशियो, वो सिर्फ 25% है, यानी कि हायर एजुकेशन में अगर अगर 100 बच्चे
ट्वेल्थ पास करते हैं तो उसमें सिर्फ 25% बच्चे ही ऐसे हैं जो जो हायर एजुकेशन पे जाते हैं, तो जो कि बहुत कम है। चाइना के अंदर ऐसा 51% है, यूरोपियन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो 80% लोग हैं जो ट्वेल्थ के बाद, सेकेंडरी लेवल के बाद जो है हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे हायर एजुकेशन में बच्चों को एनरोल कराया जाए। और एक और हमारी प्रॉब्लम देखिए, 50% हमारा जो जो पॉपुलेशन वो यंग पॉपुलेशन है, 50-25 साल से नीचे है, तो उनके लिए तो हमें दोनों चीज़ करनी है, एनरोल तो कराना ही है, साथ में उनको ग्रेजुएट करा के अच्छी अच्छी जो एजुकेशन है या फिर अच्छी रिसर्च के अंदर भी उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एनरोलमेंट नहीं, हमें ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, आपको भी पता है इंडिया की जो क्वालिटी है, एजुकेशन क्वालिटी वो किस तरह की, किस तरह क्वालिटी काफ़ी पुअर क्वालिटी देखने को मिलती है हायर एजुकेशन में। लोगों को नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उनको नॉलेज नहीं, स्कूल कॉलेज से पास आउट होते हैं उसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाते हैं, ना उनको कोई रिसर्च की चीज़ें हैं, ना कहीं वो हायर एजुकेशन और करके आए। तो इससे हमारी पता चलता है कि हमारे जो सिचुएशन है कितनी पथेटिक सिचुएशन है। ये कह रहे वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जो सिर्फ रिसर्च के लिए काम करे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, टीचिंग के अंदर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कह रही हैं ये सब इश्यूज हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को आप एलिनेट अलग नहीं कर सकते, बहुत से बच्चे जो है लार्जेस्ट चंक जो है वो प्राइवेट एजुकेशन ले रहा है, प्राइवेट हायर एजुकेशन में जाता है वर्ल्ड के अंदर भी, तो हमें प्राइवेट एजुकेशन के अंदर भी जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये बताया उसके उसके अंदर क्वालिटी और जो कॉमर्शियल ओरिएंटेशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको पता है कि पैसे दे के जो है सीट्स बिकती हैं, तो वो सब कॉमर्शियल जो ओरिएंटेशन है उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। साथ में कहते हैं स्ट्रक्चर और गवर्नेंस सिस्टम जो है हायर एजुकेशन का रिफॉर्म जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा पॉलिटिकल लेवल पे और भी प्रेशर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज पे, वो प्रेशर्स भी खत्म करने पड़ेंगे। जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ताकि वो अपने हिसाब से जो है चला सके। गवर्नमेंट जो इस तरह के हैवी चीज़ें इम्पोज करेगी तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें लैग कर रही है तो क्या फाइनल जो है कहां पे लैग कर रहे हैं। फाइनल रिकमेंडेशन देखिए वही चीज बताते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि फंडिंग जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए, रिसर्च के अंदर फंडिंग, नए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए। साथ साथ में कह रहे हैं पोस्ट एजुकेशन जो है, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। साथ में कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि देखिए प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद और चीज़ क्या कहते हैं कि हमें इस तरह के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे जो सिर्फ सोसाइटी का भी ध्यान रखेंगे और आपके एकेडमिक नीड्स का भी ध्यान रखेंगे, यानी दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ में फाइनली ये कहते हैं कि देखिए ऑटोनमी जो है इनोवेशन वगैरह करने के लिए इंस्टीट्यूशन है उनको अलाउ करना चाहिए। और एक और रिकमेंडेशन देते हैं कि यूजीसी जो है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूजीसी और मिनिस्ट्रीज के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च तीनों एक साथ अच्छे से इम्प्रूव की जा सके। और ये कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ पैसा जो है, बार बार आप इस तरह की कमेटी नहीं बना सकते या फिर इस तरह की पॉलिसी नहीं ला सकते कि ये करना चाहिए। आपको भी पता है क्या क्या करना चाहिए, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। तो बार बार एक कमीशन से बताने बनाने की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन बिल्कुल फिक्स है कि ये सॉल्यूशन हमें चाहिए, हमें फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।